तो जाएंगे उनका घर भी, तो मनीषा को भी बहुत बोली है कि आना होगा आना होगा, तो मैं बेचारी खड़ी, उसकी ननद भी निकलते है कि मैं बस स्टैंड में आप लोगों से मिलते हैं, 3 से 4 बजा देती आने में। हम लोग अपना टाटा पहुंच गए हैं, अपना टाटा आने से थोड़ा अलग ही फीलिंग जाता है। और हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, आप सब कैसे हो कमेंट करके बताएं, हम लोग भी अच्छा है। और अभी हम तो रेडी नहीं हुए, हम ऐसे ही निकल रहे हैं, मनीषा भी रेडी हो गई, अभी हम लोग टाटा के लिए निकल रहे हैं, टाटा जाना पड़ रहा है, कल जाएंगे सोचे थे बट कल नहीं हो रहा जाना, क्योंकि हम जब स्टार्ट कर रहे तो बीच में मत आना मारेंगे समझी। जब हम कुछ करते रहे, देखिए इसको नौटंकी देखिए, इतना बदमाश ऐसे करती है मेरे साथ, तो टाटा इसलिए निकलना पड़ रहा है, क्योंकि बाबू को बुला रहे मेरे हस्बैंड, उनका स्कूल भी है, और पीहू रो रही है, जब उसको बोल रहे थे आओ मेरे साथ तो आई ही नहीं, इतना नौटंकी करी थी, पापा के साथ रहेंगे पापा के साथ रहेंगे। और अभी हम यहाँ हैं तो दिन भर ठीक रहती है, दिन भर खेलेगी कूदेगी ठीक रहेगी, रात में मेरे को खोजेगी या रोएगी, इतना इमोशनल करती है ना, हमको भी रोना आ जाता है। रात दो दिन दो रात तेरी बहन आई देख, दो रात पीहू इतना रोई है ना, इतना इमोशनल की ना, मेरे को बाबू भी मतलब सुन सुन के ना हंस रहे, बोलते देखो कैसे इमोशनल करती है। तो अभी हम लोग चले टाटा के फोल्डिंग खटी, हम लोग को ले लाना मतलब लाने के लिए जाना था। कौन दिखाई है? हाँ कौन है इसको? हेलो देखो वीडियो बना रहे हैं। हाँ बच्चा बोल रहा कौन है दिखाई है। तो हम लोग को फोल्डिंग खटिया लाने के लिए जाना था, तो वहाँ भी जाना नहीं हुआ, क्योंकि ना मम्मी के घर में ऑलरेडी दो दो फोल्डिंग खटिया, पलंग बॉक्स पलंग, फिर बहुत कुछ है, तो मम्मी बोली ना कि मनीषा को ये सब सारा कुछ हम लोग देंगे, लेकिन और भी कुछ कुछ है, तो वो सारा कुछ भी हम लोग मतलब लेना है, हम लोग को मंदिर है, फिर बर्तन स्टैंड बहुत कुछ है, तो वो मतलब वहाँ ले मतलब रखी हुई अपने घर में, मम्मी को ऑलरेडी दो दो पलंग है, दो फोल्डिंग खटिया है, तो बर्तन स्टैंड है, तो मम्मी बोली दो टो बर्तन स्टैंड है, सारा कुछ दो दो टो है, पहले से जब हम थे ना उस टाइम पे हम भी खरीदे थे, तो सारा कुछ दो दो टो है, तो मनीषा को देंगे सारा कुछ, लेकिन वहाँ से लाने के लिए कुछ इंतज़ाम नहीं हो रहा, गाड़ी हो रहा है सब चीज़ ठीक है, लेकिन क्या हो ना और भी बहुत कुछ लेना है, तो एक ही बार हम लोग सोच रहे एक ही बार लेते हुए ही आएंगे यहाँ पे, थोड़ा थोड़ा लेके आएंगे, भाड़ा लग रहा है छोटा मोटा, घुस गया नहीं घुसा पेड़ हो गया नहीं तो पेड़ दवाई है, थोड़ा थोड़ा सामान है, तो हम लोग थोड़ा थोड़ा सामान लाएंगे, पैसा वही लगेगा, तो एक ही बार सारा सामान एक इकट्ठा कर लेते हैं, उसके बाद सारा सामान एक ही बार लेके आएंगे, तो उसी का हम लोग वेट कर रहे हैं, बस एक डेढ़ महीना के बाद सारा सामान इसका आ जाएगा यहाँ पे। और फोल्डिंग खटिया जो अभी हम लोग बोले जैसा है वैसा चलाओ, क्या कर सकती है, दो दो ढोआ पड़ा या खरीद का कुछ फ़ायदा नहीं है, खरीदेंगे तो फिर वहाँ से भी तो लाना ही पड़ेगा, तो उस वजह से हम लोग नहीं खरीद रहे, तो खरीदने के लिए निकलने वाले थे, तो फिर अचानक से याद आया मम्मी भी फ़ोन की बात उत करने लगे, तो हमने बात उत की, हमने सही बात है, तो इसीलिए वहाँ से सारा कुछ सामान लेके आएंगे एक ही बार कुछ दिन के बाद। लाइट भी नहीं मार रहा पीछे देख रहे नहीं? हाँ लाइट भी नहीं मार रहा, लाइन कट गया है, और मनीषा इसलिए जा रही है ना अभी टाटा उसको लेके जा रही है, क्योंकि बाबू अभी पूरा अच्छे से ठीक हुआ नहीं, और यहाँ का दवाई ना बाबू का अभी सूट नहीं किया है, तो उस वजह से वहाँ का दवाई बाबू को सूट किया था, तो वहाँ डॉक्टर भी बाबू को अच्छे से दिखाना हो जाएगा, और हम लोग को ना एक जन के घर भी जाना है, वो दीदी हमारे घर आई थी, तीन दीदी, वो तीनों दीदी हमारे घर आई थी, बहुत अच्छा लगा था मिल के, उस टाइम हम ब्लॉग नहीं किए थे वो दीदी लोगों का, तो जाएंगे आप लोगों को दिखाएंगे कि किसके घर जाना है, मतलब बहुत रिक्वेस्ट की थी आना है बोल के, उनका बेटा का बर्थडे है, तो देखिए कोई बड़ा जब कोई मतलब बोलते हैं तो मान सम्मान देना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए, तो उस वजह से हम लोग जा रहे हैं, वैसे भी एक होता है ना अपना जैसा मतलब लग नहीं रहा था, वो लोग आई थी ना कि मतलब कोई बाहर से आया हम लोग से मिलने, वैसा कुछ नहीं लग रहा था, मतलब इतना अच्छा लग रहा था ना, लग रहा कि अपना घर का ही फैमिली है, मतलब पूरा वैसे मिल लिए तो घुल मिल लिया था, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था, तो जाएंगे उनका घर भी, तो मनीषा को भी बहुत बोली है कि आना होगा आना होगा, तो हम लोग बोले ठीक है चलो, बाबू को भी डॉक्टर दिखाना हो जाएगा, यहाँ का दवाई तो बाबू को शूट नहीं किया ठीक नहीं, वो बाबू का रात भर बच्चा खांसी है, खांसी से खांस रहा जानते, देख के ख़राब लग रहा था, तो हम लोग बोले चलो वहीं पर डॉक्टर भी दिखा देंगे, और वहाँ पर दो दिन वहाँ रह के उसके बाद हम फिर छोड़ने आएंगे उसको, तो चलिए निकलेंगे अभी स्टेशन चलिए बस से, वहाँ पर ब्लॉग शूट करना चाहिए। मनीषा बाबू बोलते जब ये बोलती है ना बक 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 करते रहती, हम फोन पकड़ के खड़ी है ब्लॉग स्टार्ट कर ली, आप पूरा जानते हैं दीदी पूरा इतना लंबा बोला कि हमको तो कुछ समझ नहीं क्या बोली है, लेकिन आप लोग कमेंट कर बताइए दीदी क्या बोली भाई, आप लोग बोलिए दीदी के साथ रहे इतना अभी बक 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 करने स्टार्ट हो गया, आज जब देखिए ना खाली बक 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 सुनने जाती मैं ब्लॉग में, सच में हम कितना बकते हैं ना हमको खुद नहीं समझ में आता, तो चलिए बक बक कम करते हैं, बाहर में बेचारी खड़ी उसकी ननद भी निकलते है कि मैं बस
इस टाइम में आप लोगों से मिलते हैं। और कैसे आप जा रहे, देखिए नहाना नहीं हुआ है, इतना गुस्सा रहा नदी से। नहीं नहीं नदी गए नहाना नहीं, नहीं तो अच्छा हुआ इसको नहीं जाने दिए। जानते हैं जाती ना कम से कम, नहीं भी तो सुबह 10 बजे निकले हम तो, हम लोग तो 12 बजे तक पहुँच भी गए थे घर। ये नहीं भी तो कम से कम 3 से 4 बजा देती आने में। चलिए बकबक कम करते हैं, तो आप लोग भी बोलेंगे कितना बकबक करती है। सीधा बस स्टैंड में मिलते हैं, बाय। बस स्टैंड पहुंच गए थे और अब बैठ गए गाड़ी में, और मेरे को ऐसा जगह सीट दे दिया है ना, खिड़की खुल ले रहा है, इतना ज़ोर से गुस्सा आ रहा है ना मेरे को, देखिए ना खिड़की खुल ले रहा है। अब पूरा मेरे को अकबकी लग रहा है बस में ना, मेरे को बर्दाश्त नहीं होता है। खिड़की के सामने बैठा रहने से, खिड़की खुला रहने से ठीक लगता, नहीं तो एकदम बर्दाश्त नहीं होता। पता नहीं कैसे पहुँचेंगे हम लोग। अपना टाटा पहुँच गए हैं, अपना टाटा आने से थोड़ा अलग ही फीलिंग जागता है। और बाबू आए थे लेने के लिए, और अब स्पीड से रफ्तार में जा रहे हैं, और हम तो अपने आप को देख के गुस्सा आ रहा है, एकदम फ्रेश हुए नहीं है, वैसे ही हम आ गए हैं चाय वैसा से, अब पीछे बैठे हुए हैं। उस चलिए घर पहुंच के मिलते हैं, मेरी बीवी सोई हुई है, उसको छोड़ के आए हैं, मतलब तो मेरी बहन है वो देख रही है, वो घर पहुंच के मिलते हैं। आ गया है घर, आते ही फटाफट फ्रेश हो गए, इतना अजीब लग रहा था ना, थोड़ा पानी डाल लिए बॉडी में, इतना ठंडा लग रहा है, पानी डालने के बाद अब फ्रेश हो गया, और अब थोड़ा क्रीम मॉइस्चराइजर लगा लिया, तो इतना अजीब लग रहा था, अपना फेस देखने मन नहीं कर रहा था। और आने के बाद अब किचन में हम लग गए काम करने के लिए, तो किचन में भी हम क्या करने वाले हैं चलिए आप लोग को दिखाते हैं। तो ये रहा अंडा, इतना सारा अंडा है, ये अंडा अभी बॉयल होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा है, तो ठंडे में अंडा खाना चाहिए। इतना सारा अंडा अभी हमने बॉयल करके सब खाएंगे, दो दो करके। और बहुत ज़्यादा हवा भी चल रहा है बाहर से, देखिए ना बहुत ज़्यादा ठंडा लग रही है। और ये पोट कलेजी है, पोट कलेजी बनेगा। और ये चिकन, चिकन बाबू पहले से ला के रखे हुए थे, और रख के मतलब ला के घर में रख के, और फिर हम लोग लाने के लिए गए थे। ये चिकन बनाएंगे एकदम सूखा सूखा ड्राई, और ये पोट कलेजी हम ड्राई बनाएंगे, रोटी बनेगा। तो चलिए अंडा को पहले बॉईल कर लेते हैं पानी में। अंडा को बॉईल करने बैठा देते हैं, और बहुत तो चलिए हमारा खाना कंप्लीट हो गया है, और यहाँ खाना सारा लेके बैठ गया है। ये है पोट कलेजी देखिए, और इसमें है रोटी रोटी रोटी, और इसमें है चिकन। ये रहा चिकन, इसलिए लोग खा लेते हैं। रात का बज रहा है 11 बजे, हम लोग डिनर करेंगे, और यहाँ बैठ गया है सब कोई। हाँ पानी है ना, और मनीषा गई है अंदर गर्म पानी करने के लिए, और पीहू पानी लेकर बैठी है, ठंडा पानी देंगे नहीं, और फिर भी लेके बैठ गई है। तो खा लेते हैं हम लोग डिनर, कर लेते हैं आज रात का ही डिनर है। और आप लोग क्या डिनर किया कमेंट करके बताइएगा। और राहुल को देखिए कैसे हमको लगा वो पलटी है बैठ गया के। तो चलिए ये ब्लॉग फिर यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक से कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक न्यू अच्छे ब्लॉग के साथ, बाय बाय प्यू, बाय बाय, बाय बाय।